हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों स्नैपमिंट से आपको ऑर्डर को कितना टाइम लगता है आपके घर तक पहुँचने में। आपने आज ऑर्डर किया तो कितने दिन के बाद आएगा दोस्तों। आपने ऐसा वीडियो मैं स्नैपमिंट के ऊपर लाते रहता हूँ अच्छे अच्छे वीडियो, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऐप पे अपडेट मिलते रहेगा, जब भी मैं स्नैपमिंट पे वीडियो डालूंगा तो आपको पहले मिल जाएगा दोस्तों। आपका स्नैपमिंट है तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम जानते हैं अपना स्नैपमिंट का ऑर्डर अब तक कितने दिन में था दोस्तों। तो आपको इसमें वेरिफिकेशन भी पूरा करना होता है प्लस ऑर्डर उसके बाद ही आपका प्लेस होता है। तो मैं बता दूंगा, वेरिफिकेशन में आपको एक दिन तो लगता है दोस्तों। आज आपने किया तो आपको समझो आज 4 से 5 घंटा वेरिफिकेशन के लिए लग जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका ऑर्डर जब प्लेस हो जाता है उसके बाद आपको उधर ये अमेजन से ज़्यादा करके आपका ऑर्डर प्लेस हो। तो चलिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ, उसमें से खोल के 3-4 दिखाऊंगा। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग दोस्तों टाइम होता है, उसके कोई टाइम बढ़ जाता है। तो चलिए मैं अभी एक दो आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए यार ऑर्डर आपको कितने दिन में मिलेगा दोस्तों, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये जूता है आपको 48 Hz के अंदर डिस्पैच हो जाएगा दोस्तों, और आपका 3 से 7 दिन के अंदर ये आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपके लोकेशन के ऊपर वो निर्भर करता है आप किधर रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो। आप सिटी के बाजू में रहते हो या आप कोई विलेज में रहते हो, वो हिसाब से आपको मिलेगा दोस्तों। इसमें टाइम लगता है तो आपको देखिए इधर घड़ी के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैं 3 से 7 दिन में 48 Hz के अंदर डिस्पैच हो जाएगा और 3 से 7 दिन में आपको पहुँच जाएगा आपके घर तक का 3 to 7 working days। तो आपको इधर अपना पिन कोड डालना पड़ता है, उसके बाद ही मालूम पड़ता है स्नैपमिंट के अंदर। तो ऐसा आप करके पता कर सकते हो दोस्तों आपका ऑर्डर कितने दिन में पहुंचने वाला, कितने दिन में आपका नहीं पहुंचने वाला। दोस्तों सारे सामान का अलग अलग तो होता है, तो मैं दूसरा भी सामान दिखा देता हूँ, उसका कुछ ज़्यादा दिन लगता है। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, पैन वैन देख लेते हैं, इसको आपको कितना टाइम लगता है। तो हमको देखने आपको मालूम पड़ जाएगा कितना टाइम लगता है। तो ट्रेंडिंग में भी जो चल रहा है वो आपको दिखा दूंगा उसमें से एक भी कोई भी। और ये आपके घर तक कितने बजता है, कभी कभी 24 Hz लग के एक या दो दिन में भी आ जाता है दोस्तों। इसके लिए आपको देख लेने का आपको कौन सा सामान 1-2 दिन में आता है उसको आपको सेलेक्ट करके ले सकते हो दोस्तों। अभी देखो ये दिखा रहा है 3 से 4 working days, ये जल्दी आ जाएगा। देखिए दूसरे इसमें ज़्यादा दिखा रहा था, 7 days दिखा रहा था, इसमें 3 to 4 working days के अंदर आपके घर तक पहुँच जाएगा। इतना आपको इसमें फास्ट डिलीवरी मिल जाती है। और दोस्तों आपका रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया तो आप डिलीवरी भी कर सकते हैं, रिटर्न वापिस कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। स्नैपमिंट बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, मैं इससे बहुत शॉपिंग करता हूँ स्नैपमिंट से, 4 से 5 बार मैंने किया हो दोस्तों इसके अंदर शॉपिंग। और बाकी मैं वॉचर खरीदते रहता हूँ इसके अंदर, तो वॉचर तो आपको जल्दी मिल जाता है, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वॉचर मिल जाएगा। और आप सामान खरीदते हो 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये सामान आ जाता है। स्नैपमिंट में यही खास बात है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने सामान ले चुका, इसके लिए मेरे को दिखा रहा है 8,712 रुपये लिमिट है, इसके लिए मैं नहीं खरीद सकता हूँ। पर ये आपको फ़ोन भी खरीदते हो तो आपको 48 Hz के अंदर डिलीवर डिस्पैच हो जाता है, 3 से 4 दिन के अंदर आपको फ़ोन भी मिल जाएगा। फ़ोन का भी बता दिया आपको, सब चीज़ बता दोस्तों। ऐसा करके आपने कोई भी जो भी खरीदना है उसका टाइम देख लीजिए, आपको कितने दिन मिलेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये आपका टाइम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों।